अंदर काफ़ी घर बन चुके हैं जो कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग भी चल रही है घरों की, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाएँ तो ये इस रोड पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैकडोनल्ड भी ऑपरेटिव है, ठीक है, जो कि बड़ी देर से बड़ी तेज़ी से काम किया है DHA वालों ने इस पर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम खुर्रम फ्रॉम जलमी स्टेट। आज हम आए हैं फेज़ 7 टी ब्लॉक में प्लॉट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि फेज़ 7 टी ब्लॉक में प्लॉट्स लेना कैसे बेनिफिशियल है और क्यों लेना चाहिए। फेज़ 7 का टी ब्लॉक वाहिद वैसा ब्लॉक है जिस ब्लॉक में अच्छी अप्रोच पे कनाल और 10 मरला और 5 मरला भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। दूसरी एक नई बात, पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि ये 150 फीट रोड पे पेट्रोल पंप है, ठीक है, जो कि ऑपरेटिव है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा। टी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा तेज़ी से घर बनना शुरू हो गए हैं जिसमें 10 मरला पे भी बन रहे हैं घर, 5 मरला भी बन रहे हैं, 10 मरला पे भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, ठीक है। और उसके अलावा इसी ये 150 फीट रोड पर थोड़ा सा आगे जाएंगे टी ब्लॉक से वाई ब्लॉक की तरफ, ठीक है, मेरा कैमरामैन दिखाएगा इस रोड को आपको। इस रोड पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैकडोनल्ड भी ऑपरेटिव है, ठीक है, जो कि बड़ी तेज़ी से काम किया है DHA वालों ने इस पर। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मेरे लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक के साथ आगे वी ब्लॉक है, वी ब्लॉक के ऑपोजिट यू ब्लॉक है। और अब हम डिस्कस आज करेंगे सिर्फ टी ब्लॉक के बारे में। टी ब्लॉक में जो कनाल के प्लॉट्स हैं, अच्छी लोकेशन के जो प्लॉट्स हैं, वो 3.5 से शुरू होते हैं, वो 3.35, 3.40, मतलब इस प्राइस में, इस राउंड में प्लॉट हमें अच्छी लोकेशन का प्लॉट जो कि हमें अवेलेबल हैं, जो मिलते हैं, जिसमें जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद 10 मरला पे अगर आते हैं, 10 मरला प्लॉट्स जो हैं अच्छी लोकेशन पे, 180 से लेके 175, 160 तक हमें प्लॉट मिल जाते हैं। और कनाल की अगर बात करें हम, तो कनाल की जैसे मैंने आपको बताया है कि अच्छी लोकेशन पे अगर प्लॉट लेने जाते हैं तो 3.5 से स्टार्ट होती है प्राइजेज और 3.35, 3.30 तक हमें अच्छी लोकेशन के प्लॉट जो हैं वो मिल जाते हैं इजीली। उसके बाद अगर हमारा बजट थोड़ा सा कम है तो थोड़ा पीछे जाएंगे, जैसे 70 फीट रोड आता है उसकी बैक साइड पर अगर हम जाते हैं तो 265 में भी मिलते हैं प्लॉट अवेलेबल हैं वहाँ पे, 265 से 275 तक हमें कनाल के प्लॉट जो हैं वो ईजिली मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम 10 मरला पर जाना चाहते हैं, 10 मरला की भी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, काफ़ी अवेलेबिलिटी है और घर भी बन रहे हैं यहाँ पे, पोजेशन प्लॉट्स हैं सारे। और थोड़ा सा पीछे जाएंगे कनाल की साथ लेफ्ट साइड पे, तो वहाँ पे 10 मरला जो प्लॉट्स हैं वो 180 से लेके 170, 175, 165 में हमें अच्छे प्लॉट्स, 10 मरला की अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स वो अवेलेबल हैं। और 5 मरला की इसमें जो हैं बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं, लेकिन अवेलेबल हैं, अभी काफ़ी अवेलेबिलिटी है। इसके साथ साथ इस ब्लॉक में हमारे पास 38 कनाल का प्ले ग्राउंड भी मौजूद है, जो कि इंशाल्लाह बहुत जल्द उसको वो भी रेडी कर रहे हैं, उसको भी डेवलपमेंट चल रही है, वहाँ पे भी काम चल रहा है, उसको भी तैयार करेंगे इंशाल्लाह। और अगर आप देखें ये हम एस ब्लॉक में भी काफ़ी घर बन चुके हैं, ठीक है, अभी हम मेन रोड पे खड़े हुए हैं। अगर मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको अंदर से भी दिखाऊँगा, अंदर काफ़ी घर बन चुके हैं जो कि यहाँ पर बाइंग सेलिंग भी चल रही है घरों की, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो ये टी ब्लॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थोड़ा पीछे जाके भी हम सस्ती प्लॉट्स भी हमें अवेलेबल हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अंदर से ऑन ग्राउंड जाके प्लॉट्स भी दिखाऊंगा और अंदर जो है ब्लॉक के अंदर रोड्स वगैरह पे जाके मैं आपको घरों की भी बाहर से व्यूज़ दिखाऊंगा कि कैसी कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे। फेज़ 7 टी ब्लॉक में अगर प्लॉट की किसी भी किस्म की कोई इंक्वायरी हो आपकी, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर उसे रब्ता कर सकते हैं 24/7।